मुझे लगता है कि हमारे महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है माननीय महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट उन्होंने बताया है कि भाई जो गुजराती लोग है, मारवाड़ी लोग है, ऐसे लोगों ने मुंबई की इकोनॉमी में अपना योगदान दे दिया है। एक तो आप लोग जानते हैं कि भाई 1 मई 1960 के पहले मुंबई प्रांत था और मुंबई प्रांत का कैपिटल मुंबई था और उसमें पूरा गुजरात और पूरा महाराष्ट्र उसमें था, तो गुजराती लोगों का योगदान है तो सही बात है। इसका मतलब मराठी लोगों का अपमान करने की भूमिका उसमें बिल्कुल ना नहीं है, लेकिन जो उद्योग क्षेत्र में गुजराती मारवाड़ी लोगों ने काफ़ी प्रगति की है और मुंबई के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका जो सहयोग है वो है। इसी तरह की जो बातें माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने बताई है उसमें तथ्य है, वो बातें सही है और इसीलिए उनका रिज़ाइन मांगने का अधिकार संजय राउत को बिल्कुल नहीं है और वो मांगेगी तो भी वो रिज़ाइन देने वाले ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि संजय राउत ने सभा, वो पत्रकार है, एक सामना के एडिटर भी है और उनको पूरी जानकारी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का रिज़ाइन मांगना ये अच्छी बात नहीं है और जानबूझकर गवर्नर साहब को बदनाम किया जा रहा है। जी सर, मेरा एक और सवाल है। दिल्ली को हाल सरकार ने जो है एक्साइज पॉलिसी को रोल बैक कर दिया, जो नई पॉलिसी उन्होंने लागू करी थी उसको हटा के फिर से जो लेकर के लिए एक्साइज पॉलिसी है उसको वापस कर दिया है। मनीष सिसोदिया पीसी करके बोलते हैं कि ये तो दिल्ली की बात थी, गुजरात में जिस तरह से शराब की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई उसको क्या बोलेंगे, वहां तो बीजेपी की सरकार है, ड्राई स्टेट है, वहां पे इस तरह का स्मगलिंग हुआ, कहां से वहां पे दारू आई। नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ जो वाइन होती है, देसी दारू होती है, तो कुछ जगह पर इसी तरह के हादसे होते हैं। हादसे तो नहीं होना चाहिए और जो दारू होती है दारू अच्छी दारू होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार उसमें मिक्सिंग होता है और उससे कई लोगों की डेथ होती है। बात सही है, इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार है ऐसा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ दिल्ली में मतलब जो एक्साइज के संबंध में जो पॉलिसी माननीय केजरीवाल सरकार की है वो पॉलिसी जम सहमत नहीं है। उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है ये लोगों के लिए बनानी चाहिए और यहाँ उसी तरह की उनकी जो भूमिका है उसका हम विरोध करते हैं। जी सर, थैंक यू। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो है उद्धव ठाकरे, उन्होंने गवर्नर के लिए, महाराष्ट्र के गवर्नर के लिए बोला कि 2.5 साल तक महाराष्ट्र के गवर्नर ने सब देखा यहाँ पे और यहाँ का क्यूजिन, जो खाना है, खान पान, उसको भी इंजॉय किया, अब टाइम आ गया है कि उन्हें कोल्हापुरी चप्पल दिखाई जाए। मुझे लगता है कि ये फिजूल बातें हो रही है, गलत बातें हो रही है। जो सत्य चित्र है वो सत्य चित्र उन्होंने रखा है। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, महाराष्ट्र के बारे में उनको अभिमान है, महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने के लिए ही मतलब वो यहाँ माननीय राज्यपाल बन गए हैं। उनको कोल्हापुरी चप्पल दिखाने की बात करना ये असंवैधानिक इसी तरह की बयानबाजी है। तो मुझे लगता है कि भाई राज्यपाल का जानबूझकर अपमान करने की कोशिश हो रही है और ये मराठी विरोधी है, इसी तरह का वातावरण तैयार करने की कोशिश हो रही है। सत्ता से बाहर होने के बाद ये लोग एकदम तड़फड़ा रहे हैं और जब भी मौका मिलता है तब इसी तरह की बयानबाजी होती रहती है। मुझे लगता है कि भाई जो उन्होंने जो सत्य चित्र वो रखा है इसका मतलब मराठी लोगों पर अन्याय करने की भूमिका बिल्कुल नहीं है। गुजराती लोगों का बिजनेस में योगदान रहा है और ये जो वस्तुस्थिति है उसको माननीय उद्धव ठाकरे जी ने मान्य करने की आवश्यकता है और इसीलिए मुझे लगता है कि मुंबई में लाखों की संख्या में गुजराती लोग रहते हैं, राजस्थान के लोग भी लाखों की संख्या में रहते हैं,
और उनको न्याय देने का काम हम सब लोगों ने किया है, वो भी हमारे मित्र इसी तरह की भूमिका हमारी है। तो उसमें का गलत कोई माननीय राज्यपाल जी ने बयानबाजी किया ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद भी कोल्हापुरी चप्पल दिखाने की बात अगर होती है तो अच्छी बात नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी ने वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवसेना के नेता भी हैं, तो उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना